हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद से HP इंकजेट प्रिंटर में इंक डाल सकते हैं, यानी कि रिफिल कर सकते हैं कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रिंटर को स्विच बोर्ड से प्लग इन करेंगे इस कुछ इस तरह से। और प्लग इन करने का ये जो कार्टेज दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट कार्टेज है। इसको हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इस पर एक स्टिकर रहेगा कुछ इस प्रकार से। इसको हम रिमूव करेंगे, स्टिकर को हम हटाएंगे इस पे से कुछ इस तरह से, देखिए। इसके बाद इसको हटाने के बाद इसमें जो बड़ा वाला जो होल दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, इसमें हमको ब्लैक वाला कलर डालना है। कितना? 3 ml। 3 ml से ज़्यादा नहीं डालना है और नहीं कम डालना है, सिर्फ 3 ml डालना है। और 3 ml का सिरिंच लेनी चाहिए। ये देखिए, 3 ml हम कलर ले रहे हैं। इसके लिए हमको 4 सिरिंच चाहिए, 3 कलर के लिए और 1 ब्लैक एंड वाइट के लिए। कलर फिल करते हुए इसको फिर से वापस लगा देंगे और कार्टेज को फिर हम वही प्रिंटर में प्लग इन कर देंगे। अब हम कलर वाले कार्टेज को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालें उसके बाद फिर इसके स्टिकर जो है उसको हम रिमूव करेंगे। दोस्तों, ये पीछे नीचे वाला फेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इसमें हम फिर कलर फिल करेंगे। ये ब्लू कलर है, इसको हम मात्र 2 ml कलर हमको लेना है। 2 ml से नहीं ज़्यादा लेना है, नहीं कम लेना है, और उसको फिल कर देना है। जिस तरह से आप कार्टेज को देखेंगे तो उसमें कलर आपको दिखाई देगा, उसी में डालना है। फिर ये रेड वाला कलर को हमको फिल करना है मात्र 2 ml। उसके बाद येलो कलर को हम फिल करेंगे, वो भी 2 ml। 2 ml का सिरिंच आ जाता है। ये देखिए, ये येलो कलर का है, यानी पीला कलर का है, इसको हम फिल कर रहे हैं। और ये फिल करते हैं फिर से इसको, इसके ऊपर स्टिकर हम लगा देंगे या ना भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यही 4 कलर HP इंकजेट प्रिंटर में डलता है। अब इस कार्टेज को हम फिर वापस से लगा देंगे। यह कलर कार्टेज है, देख रहे हैं आप। इसको हम प्लग इन करेंगे अपने प्रिंटर से, HP इंकजेट प्रिंटर से प्लग इन करते हैं कुछ इस तरह से। इसको नीचे प्रेस करके लगाना होगा, नहीं तो दिक्कत आती है लगाने में। और यह कवर हम बंद कर देंगे। याद रहे दोस्तों, प्रिंटर में लाइट यानी कि करेंट होनी चाहिए। उसके बाद देखें, हम जीरोक्स निकाल रहे हैं, अपने बुक के जीरोक्स निकाल रहे हैं। देखते हैं कैसा जीरोक्स निकलता है। वाओ, ये देखें, ये जीरोक्स निकल के आ गया है। इसी तरह आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जीरोक्स भी निकाल सकते हैं। चलिए, हम फिर से आपको ये कलर प्रिंट निकला है, अब हम ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स आ गया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एक बार वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके साथ में जो घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।